जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक चर्चा लेकर हाजिर हूं कि गुरु अस्त हो रहे हैं। अब गुरु जो है तारा डूब गया कहते हैं, शुक्र अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब शुभ काम नहीं होंगे, अब शादियां नहीं होंगी, अब मुंडन संस्कार नहीं होंगे, अब कोई गृह प्रवेश नहीं होगा, अब किसी बच्चे का नाम नहीं रखा जाएगा। तो ये सब ऐसे कार्य जो शुभ कार्य होते हैं गुरु के अस्त होने पर नहीं किए जाते। अब गुरु अस्त हो गए, इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अगर आपको मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, और जो मैं राशि भविष्य बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, इतना ज़रूर समझ लीजिएगा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि गुरु अस्त कैसे हुए। जब कोई भी ग्रह है सूर्य की विसिनिटी में आने लगता है तो गुरु जो हो, या मंगल हो या शनि हो या बुध हो या शुक्र हो या चंद्र हो, राहु केतु को छोड़ के, तो वो अस्त हो जाता है। अब सूर्य जब उदित होते हैं तो कैसे प्रकाश फैलता है, और बाकी कोई ग्रह दिखाई नहीं देता, कभी कभी बड़ा धुंधला सा चांद दिखाई देता है। तो सूर्य की इतनी तेज पुंज रोशनी इतनी जबरदस्त है कि बाकी सारे जो ग्रह उसके आगे धीमे पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं कई बार कहा भी करती हूँ कि सूर्य के आगे ओम बोलिए। इस पर मैं आपको वीडियो पर चर्चा दूंगी कि सूर्य के अंदर कितनी ताकत होती है, और उसके आगे अगर आप अपनी प्रार्थना वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अब ऐसे सूर्य जो हैं ये ग्रहों के राजा, और मंत्री कौन है? गुरु। तो गुरु मंत्री है, तो हुआ क्या? सूर्य अगर गुरु के 11 डिग्री के विसिनिटी में आए तो गुरु अस्त होने लगे। अब बड़ी बात यह है कि सूर्य अब मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और उसका वीडियो आपको मिल चुका होगा, और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश की कहानी भी आपने सुनी होगी। तो ये गुरु और शनि और जो सूर्य है, ये जो हैं, ये तीनों जो गुरु और शनि अस्त रहेंगे, एक काल बीच में ऐसा रहेगा। और यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात है कि सूर्य गुरु परम मित्र हैं। अब एक आदमी क्या करता है कि इसके घर में खुद विद्वान है वो बहुत, और उसके सामने एक बहुत बड़ा और विद्वान तेज पुंज आ जाता है, तो वो सरेंडर कर देता है, हाथ जोड़ देता है कि अब आपकी रोशनी फैलने दो, और मैंने हाथ जोड़ दिए, उसने अपना तेज पीछे कर लिया। लेकिन उसके खुद के जो अच्छे परिणाम थे वो कम हो गए। अब गुरु की वजह से शादियां वगैरह जो जितने मैंने बताया आपको संस्कार जो होने वाले थे वो कम हो गए, तो उसने प्रणाम तो कर दिया, लेकिन वो उदित कब होगा और कब शुरू होगा? तो बॉम्बे के हिसाब से, वैसे ये तारीखों का हेर फेर है इंडिया में, लेकिन बॉम्बे के हिसाब से 19 जनवरी को पश्चिम में अस्त हो जाएंगे ये गुरु, और 11 फरवरी में पूर्व में उदित हो रहे हैं। तो ये स्थिति है कि अब मेष से लेके मीन राशि पर क्या इसका असर हो जाएगा ये हम जानेंगे। वीडियो के अंत में आप सुनेंगे गुरु अस्त के उपाय। अब कईयों के लिए ये अच्छा होगा जिनके लिए कारक नहीं होंगे, और जिनको तकलीफ दे रहे होंगे गुरु तो वो अस्त हो जाएंगे, तो वो खुश हो जाएंगे। हालांकि ये सूर्य शनि युति ठीक नहीं है जो डिग्री कली पास में आएंगे, तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन गुरु कई राशि वालों के लिए तकलीफ दे रहे थे, जैसे मिथुन राशि को तकलीफ दे रहे थे नीच के होके और अष्टम में बैठ के, तो ऐसी राशि वालों को ये अच्छा फल देंगे, अब इनका बल कम हो जाएगा। तो हालांकि कामकाज कम होंगे, लेकिन दे विल फील बेटर, उनको बेटर फील होगा जो गुरु का खराब असर आ रहा था उनके जीवन में। तो चलिए जानते हैं हम मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ता है। मेष राशि भाग्य भाव के और आपके द्वादश के स्वामी गुरु जो है जब अस्त होंगे तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज स्थगित हो जाएंगी, आते आते रुकेंगी, और खर्चे भी स्थगित होंगे। तो एक तरफ से तो आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हुई, एक तरफ से खर्चे स्थगित हुए। प्रेम संबंधों में आपको जो डिसीजन चाहिए उसमें विलंब हो सकता है, विदेश रिलेटेड कार्यों में आपके वीजा वगैरह लगने में विलंब हो सकता है। अगर आप बीमार वगैरह होने वाले थे, या आपकी हॉस्पिटलाइजेशन थी या होने वाली, या कोई केसेस वगैरह चल रहे थे, तो अब नहीं होगा, चिंता मत करिए। वृषभ राशि अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी,
तो बेटर हो जाएगी तबीयत आपकी। आप सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन बेटर हो जाएगी। शुक्र प्रधान हो आप और गुरु आपका विरोधी ग्रह, तो जब उसका बल कम होगा तो आप बेटर फील करोगे। हाँ, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिएगा। आप जो हैं, आप किसी प्रकार से पैसों की कमी होती है आपको, तो इसलिए भी ये मैंने बताया आपको गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन में उपाय। और साथ में ये आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, मतलब आपके कोर्ट केसेस, जो जमीन जायदाद के मामले या कोई अन्य केसेस चल रहे हैं, तो उनको जरा संभल के कीजिएगा। आपके कोई ऐसे मामले जिसमें तबीयत इन्वॉल्व है, तो उसके लिए अभी निर्णय लेना सही नहीं। और आपके बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन संभालिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब आपके सप्तम भाव के और आपके कर्म भाव के स्वामी, तो अनबन हो सकती है आपके वैवाहिक जीवन से या व्यावसायिक पार्टनर से, या वो वीक फील कर सकते हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अब ये स्थिति अच्छी मैं कैसे कहूं और अच्छी ना कहूं, क्योंकि गुरु आपको सता रहे थे। जैसे ही गुरु मकर के नीच के हुए, आपको बहुत तंग किया, तो अब गुरु की शक्ति कम हो जाएगी, तो वो कारक होते हुए भी जब वीक होकर वो सताने लगे, उनकी शक्ति कम हुई, तो आपके लिए अच्छा असर होगा। भले आपके कार्य थोड़े से आप धीमी गति में करोगे, तो कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा सा आराम कर लो। अभी तक बहुत काम किया आपने पेंडेमिक में, अब आपको थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। और तबीयत संभालो, एक्सरसाइज खूब करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और किसी तरीके से ये अस्त गुरु का मजा लो। हाय, सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन है, विद्वान तो रहोगे आप खूब, इसलिए दिमाग खूब चलेगा आपका, आप चिंता मत करो। कर्क राशि, आपके लिए आपके श्रेष्ठ भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। और ये जब वीक हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, तो काम थोड़ा स्लो होगा, लेकिन बीमारियां भी स्लो होंगी। अब ये बात देखिए, एक तरफ फायदा, एक तरफ नुकसान। और कुछ कर्जे वर्जे लिए थे, तो सिर पे चढ़ गया था बंदा, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, उसके लिए थोड़ा सा शांत हो जाएगा, थोड़ी देर में मांगेगा, अब बोलेगा बाकी बाद में दोगे तो चलेगा। और आपके बड़े भाई बहनों से रिलेशन आपको संभालने पड़ेंगे, यात्राएं थोड़ी स्थगित करनी पड़ेंगी, और काम अगर विलंब होता है तो बेचैनी मत कीजिएगा। सिंह राशि, आपके पंचम भाव के और आपके अष्टम भाव के, तो अब ये मानसिक हेल्थ और शारीरिक हेल्थ संभालनी पड़ेगी भैया। अभी तो ये कहता है समय के आप अपना जो मैं उपाय बताऊंगी अंत में वो जरूर कीजिएगा, और साथ साथ में अपने बच्चों के साथ उलझिएगा मत। अपने व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित पार्टनर, इनकी तबीयत का ध्यान रखना है, उनके साथ उलझना नहीं, केयरिंग होना है उनके प्रति। व्यवसाय भी संभल के कीजिएगा, पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। कन्या राशि, आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है, तो आपके अस्त होने लगे जब पंचम भाव में, तो थोड़ी आपको जो घरेलू बहुत परेशानियां थी, विवाहित जीवन के लिए बहुत परेशानियां थी, वो कम हो जाएंगी। मानसिक टेंशन कम होगी आपको। अब इन लोगों के लिए हो सकता है उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो, लेकिन जो बहुत झपड़ झपड़ हो रही थी ना, बेचैनी थी, आपस में बन नहीं रही थी, व्यवसायिक पार्टनर भी बहुत ज्यादा बेचैन कर रहे थे, तो ये सब कम हो जाएगा। आप तो सुख शांति से सब धीमे धीमे निपटेगा, कोई टेंशन नहीं। वीडियो के अंत में उपाय देखिएगा जो आपको नहीं करने हैं, खाली सुनिएगा। तुला राशि, अब आपके तृतीय भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी जो है वो अस्त हो रहे हैं। अच्छी खबर है आपके लिए, अब अस्त हो रहे हैं तो घरेलू परेशानियां कम, आपके जो माता की तबीयत बिगड़ रही थी वो अब सुधरने लगेगी, और आपकी विवंचनाएं आपकी तबीयत को लेकर ठीक होने लगेगी। आपको मौके का फायदा उठा के दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, ओम माँ लक्ष्मी नमः के जाप करके अपनी सारी स्थितियां, काम की और कर्जे वगैरह की, संभाल लीजिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके धन भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी है भैया, तो थोड़ा सा संभालिए। आपके लिए थोड़ी सी स्थिति ऐसी है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, यहाँ भी करो तो भी गलत, वहां भी करो तो भी गलत, तो गलत हो रहा है। आपको थोड़ा सा परिवार को भी संभालना पड़ेगा, और आपको बच्चों को और दिमाग को भी संभालना पड़ेगा। ऐसे में अगर किसी गुरु के शरण में जाए, गुरु की आराधना करें या गुरु के उपाय करें जो मैं देती रहती हूँ हमेशा वीडियोस वगैरह में, देखिए और गुरु के उपाय कीजिए। और साथ साथ आप कर सकते हैं अपनी जुबान पर भरोसा, अपनी जुबान को जरा संभल के चलाएं, और बहुत ज्यादा निस्तेज मत कर दें कि आवाज ही नहीं निकल रही है, थोड़ा सा बल लाने के लिए मेडिटेशन करें। धनुराशि, आपके लग्न भाव के स्वामी आपकी माता के घर के स्वामी, तो दोनों का जो पराक्रम है कम होगा,
और चिड़चिड़े ना हो जाएं, तबीयत वीक ना हो जाएं, इन सब का ध्यान रखने के लिए आपको मैं वीडियो के अंत में कुछ गुरु के जो उपाय बता रही हूँ वो उपाय कीजिए, और साथ साथ खाइए पीजिए सही से, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, घरेलू हेल्पर्स के साथ उलझिए मत, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखें, अपनी माँ की तबीयत का विशेष ध्यान रखें, और वाहन वगैरह जो है वो संभल के चलाएं। मकर राशि, आपके द्वादश भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी, खर्चे कम हो जाएंगे अब आपके, अब यात्रा पे निकल रहे थे तो स्थगित हो गई, तो अगर वो बेफजूल होगी यात्रा तो पैसे कम होंगे, विदेशी हो या देशी हो, और आपके प्रेम संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, हो सकता है आपका छोटे भाई बहनों के साथ भी मनमुटाव हो, लेकिन आपको जो खुद के लिए बहुत बेचैनी थी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, मैं सही कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, इससे छुटकारा मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये स्थिति तब की है जब सूर्य भी साथ में आ रहे हैं शनि के, तो ऐसा नहीं है कि एक ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा तो दूसरा करेगा, इस समय आपको सावधानी बरतनी है। मेरा सूर्य शनि का वीडियो जरूर देखिए आप। कुंभ राशि, आपके लिए सेम स्थिति है मकर की तरह, सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आपको संभालना है, और साथ साथ आपके विदेश रिलेटेड काम जो हैं वो थोड़े बने खसकें, वैसा कूदिएगा मत, थोड़ा सा संभल के अभी फिलहाल जो पैसे आपके हैं उनको संभाल लीजिए, किसी भी प्रकार से अपने परिवार को पैसों से वंचित ना रखें, अगर बोलने चलने से कोई दुख होता है तो सही से बोलें, और कोई कोर्ट केसेस हैं तो संभल के चलें, और गुरु के उपाय देखिए अंत में क्या करने चाहिए, आप कर सकते हैं, आपके धन भाव और लाभ भाव का स्वामी है। मीन राशि, आपके दशम भाव और आपका स्वामी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुरु लग्नेश है आपका, और केंद्रेश भी है, अब ये याद रखिए कि आपके कामों में विलंब होना या पैसों का रुकना या आपकी तबीयत खराब होना, ये सब स्थितियाँ अच्छी नहीं है, और इसी वजह से स्थितियों को बेटर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ, और किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए, किसी की सलाह लेनी चाहिए, हालांकि सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। अब गुरु और सूर्य शनि की इस युति में सूर्य गुरु को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अस्त होने के बावजूद भी एक अच्छी स्थिति है, और उपाय के तौर पर आप रोज सुबह आप सभी लोग चंदन का टीका, यहाँ पर कुछ राशियों को मैं निकाल रही हूँ, शुक्र की राशियाँ, बुध की राशियाँ, मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इनको निकाल रही हूँ मैं, बाकी लोग ये उपाय कर सकते हैं, मेष, वृश्चिक, कर्क और सिंह, धनु, मीन, ये राशि वाले ये उपाय करें, टीका लगाएं चंदन का, हल्दी का टीका लगाएं, केसर का तिलक, बहुत थोड़ा सा केसर लेके गर्म होता है केसर लगाएं, और केले के वृक्ष को पानी दें, अगर आप चाहें तो पीले कपड़े पहने अपर बॉडी में, और किसी गुरु के शरण में जाएं, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप सभी राशि वाले कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी राशि वाले कर सकते हैं, किसी गुरु के शरण में सभी राशि वाले जा सकते हैं, और आप केले खा सकते हैं, पीली चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, पीले फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, ये सब उपाय हैं गुरु के जो नॉर्मल हैं। अगर हम उपायों की बात करें, बहुत सारे उपाय हैं गुरु के जिसकी चर्चा मैं फिर कभी सिर्फ गुरु के उपाय वीडियो में करूंगी, या मैं कर चुकी हूँ, मुझे ये भी याद नहीं है ना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।